नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है द विलेज बाय द सी और इसे लिखा है इंडियन ऑथर अनीता देसाई ने। इस नॉवल को पब्लिश किया गया था 1982 में और इस नॉवल को 1983 में गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन अवार्ड भी मिला है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। 13 जजेस का एक पैनल होता है जो चिल्ड्रन के राइटर होते हैं और वो डिसाइड करते हैं, साल में एक ही बार मिलता है ये, और 1983 में ये अवार्ड मिला था द विलेज बाय द सी जिसे अनीता देसाई ने लिखा था। इस नॉवल की अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये कहानी डील करती है दो बच्चों के साथ, लीला और हरी नाम के दो बच्चे जो कि मात्र 13 और 12 साल के हैं रिस्पेक्टिवली, एंड किस तरीके से वो अपनी इम्पावरिश्ड फैमिली को उसका ध्यान रखते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, जबकि जिनको रखना चाहिए वो रख नहीं पा रहे हैं। उसी के बेस्ड के ऊपर ये कहानी है, अडल्ट नॉवल है ये और बहुत ही कमाल की कहानी है। आई नो कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और बहुत रिलेट कर पाएंगे आप इस कहानी के साथ क्योंकि ये एक इंडियन कहानी है, तो बहुत ही मजेदार कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है जो द विलेज बाय द सी है उस गांव का नाम है थुल, जो बॉम्बे से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस गांव में जो है, जो इस गांव के लोग हैं उनका मुख्य किता यही है कि वो मछलियां पकड़ते हैं, खेती करते हैं और इसी से वो अपना गुजारा करते हैं। अब जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं हमारे, लीला वो 13 साल की है और जो हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट है वो है हरी और वो 12 साल का है। इनकी दो छोटी बहनें भी हैं जिनका नाम बेला और कमल है। अब इन दोनों को काम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके जो फादर हैं उन्होंने किसी टाइम पे किसी इंसान को बहुत सारे पैसे दे दिए थे क्योंकि वो उसे जॉब प्रोमिस्ड कर रहा था बॉम्बे या गोवा में और जिससे कि अच्छा पैसा कमा सकता वो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हुआ क्या कि वो इंसान वो सारे पैसे लेके भाग जाता है और उसको जॉब भी नहीं मिलती है। इस वजह से वो पूरा तरह से डिप्रेस हो जाता है इनका फादर और वो क्या करता है, वो लोगों से उधार मांग मांग कर शराब पीना शुरू कर देता है और वो कोई भी काम नहीं करता है अपनी फैमिली को चलाने के लिए, फैमिली को लुकआफ्टर करने के लिए। जो लीला और हरी की माँ है वो बहुत ही बेड रिडन है वो, और वो कोई भी काम नहीं कर सकती है, इसीलिए वो बहुत काफी लंबे समय से बीमार है वो और वो कोई भी घर का काम नहीं कर सकती है। मीनवाइल उसका जो काम है वो सारा लीला को करना पड़ता है और वो अपनी छोटी बहनों बेला और कमल का भी ध्यान रखती है। और हरी क्या है, हरी खेतों में काम करता है और जिससे कि वो पैसे अर्न करता है। लाइफ ऐसे ही चल रही है और हरी कोई ना कोई तरीका सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो जो है फैमिली की हालत सुधार सके, क्योंकि ऐसे खेती करके थोड़ा बहुत पैसा कमा के वो जिंदगी तो नहीं काट सकेगा ना, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए काटना। और उसकी जो बहनें हैं उसकी शादी भी करनी पड़ती है क्योंकि शादी में उसको पता है कि डाउरी देनी पड़ेगी, और डाउरी तो आपको पता है इंडियन सिस्टम में एक इविल सिस्टम है जिसको भी शुरू किया गया था एज ए गिफ्ट देने के लिए, लेकिन बाद में एज ए मांग होगी, जो मेल पार्ट है वो मांग करने लग पड़े डाउरी की। तो उस तरीके से जो एज ए बढ़िया सिस्टम शुरू किया गया था यू नो लड़कियों को गिफ्ट देने का ताकि वो अपनी नई फैमिली में किसी तरह से यू नो सेट हो सके, सूटेबल हो सके, लेकिन वो उसको जो है और शेप में टर्न कर दिया है। तो हरी को इन चीजों के बारे में बिल्कुल पता है, हालांकि वो छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी वो उसे पता है कि उसकी बहनों की पढ़ाई का खर्चा और उसकी यू नो उनकी उनको डाउरी भी देनी पड़ेगी, उनकी शादी भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वो सोच रहा है कि किस तरीके से वो अच्छा पैसा कमाने की यू नो अच्छा पैसा कमाने का साधन कर सके, ठीक है। तभी उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि उनके गांव में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होने वाली है जल्दी ही, और उसे लगता है कि वहां पे उसको अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन फिर भी वो डाउटफुल है कि उसे फैक्ट्री में काम करना चाहिए या नहीं, या फिर वो फैक्ट्री में काम करने के लिए स्किल्ड होगा या नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री में तो स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है ना। दूसरी बात यह है कि उन्हें ये भी पता है कि जब फैक्ट्री आएगी तो उनके खेतों को उनसे छीन लिया जाएगा, वो यू नो वो अपनी खेती क्रॉप या फिर अनाज जो है वो पैदा नहीं कर पाएंगे उसके बाद, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग सेटअप हो जाएंगी, फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए होगी, तो इस तरीके से जॉब तो मिलेंगी लेकिन उनका जो मेन लाइवलीहुड है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो फैक्ट्री का गंदा यू नो गंदगी होती है वो सी में जाएगी और सी में जो मछलियां पकड़ने वाला कारोबार है वो भी इस तरीके से धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन तभी उनकी वहां पे एक होप आती है, वहां पे एक घर है मोन रेपोस, वहां पे जो डी सिल्वास हैं वो बॉम्बे में रहते हैं और अपनी छुट्टियां मनाने वो अक्सर साल में 2-3 दफा उस घर में जो उनका यू नो सी के आसपास उनका घर है वहां पे अक्सर अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। अब हरी और लीला उनके घर काम करने जाते हैं, उनका छोटा मोटा काम कर देते हैं जिससे कि उनकी हेल्प हो जाती है, ठीक है। और जो डी सिल्वास हैं वो हरी को कहते हैं कि अगर वो बॉम्बे चला जाए तो वो उनकी कार वॉशर एज ए कार वॉशर उनको जॉब दिला देंगे जिससे कि हरी अच्छा पैसा कमा सकेगा, ठीक है।
अब जो मैंने आपको बताया ना फर्टिलाइजर फैक्ट्री का सेटअप होने वाला है, तो वहां का एक बंदा है अदरकर, अदरकर लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि अगर यहाँ पे फैक्ट्री लग गई तो हमारा जो लाइवलीहुड है, जो मछलियां पकड़ने का काम और ये हमारा जो क्रॉप उगाने का काम, अनाज उगाने का काम, वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि फैक्ट्री के लिए तो थोड़ी ही जगह चाहिए, लेकिन जो फैक्ट्री में बाबू काम करने आएंगे उनके घर बनेंगे या फिर और मतलब चीजें जो है फैक्ट्री के आसपास, आपको पता है खेती करना उतना आसान नहीं रहता है, ठीक है। तो वो उनको अवेयर करता है और सभी लोग जो हैं चल पड़ते हैं बॉम्बे में गवर्नमेंट ऑफिस में इसके खिलाफ धरना देने के लिए। ओके, और हरी भी इनके साथ मिल जाता है, वो अपनी बहनों को अपने घर पे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं करता और इनके साथ मिलके वो बॉम्बे चला जाता है। लेकिन जब वो बॉम्बे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो तो इन चीजों से बहुत अलग है और उसे कहीं ना कहीं अपने घर का पता चलता है, अपने घर के हालातों का पता चलता है। तो फिर उसे उसी टाइम पे डी सिल्वा के बारे में याद आता है कि डी सिल्वा ने उसे बोला था कि वो उसको जॉब दिला देंगे, ठीक है। लेकिन जब वो डी सिल्वा के घर पे जाता है, किसी तरह से उसका पता निकाल के उसे घर पहुंचता है, तो वहां पे जाके उसे पता चलता है कि डी सिल्वा तो घर पे नहीं है और उनका जो नौकर है वो उससे बहुत ही क्रूरता से बात करता है। लेकिन उनका जो गेट मैन होता है वो उसे बोलता है कि वो उसे अपने फ्रेंड जग्गू के पास ले जाएगा, जो कि एक रेस्टोरेंट ओनर है, और वो शायद उसे कोई काम दे दे, ठीक है। जब वो जग्गू के पास जाता है तो जग्गू उसे काम पे रख लेता है और वो बोलता है कि उसे एक दिन का 1 रुपया देगा। जब उसे जॉब पक्की हो जाती है तब वो अपने घर पे अपनी सिस्टर्स को एक पत्र लिखता है और इसमें कि बोलता है कि वो जग्गू के पास काम कर रहा है और वो जल्दी ही पैसे कमा के घर वापस आ जाएगा। काफी लंबे समय तक जग्गू के रेस्टोरेंट पे काम करने के बाद जग्गू के रेस्टोरेंट के पास एक मिस्टर पान वाला है, अंदर पान वाला है मिस्टर, और वो क्या है, वो जग्गू को बोच मेंडिंग का काम सिखा रहा है। उसकी बोच मेंडिंग की दुकान है और जग्गू को वो बोच मेंडिंग का काम सॉरी वो हरी को बोच मेंडिंग का काम सिखा रहा है और वो जग्गू से बोलता है कि हरी को कुछ समय के लिए मेरी दुकान पे भेज दिया करो ताकि मैं इसे काम ये सिखा सकूं, ठीक है। सून आफ्टर सम टाइम हमें पता चलता है कि जो बोच वाला है, ठीक है, पान वाला है, जो मिस्टर पान वाला है, वो बीमार हो गया है और जो हरी है हमारा, हरी उससे मिलने घर जाता है और वो उसे बताता है कि उसे अब अपने घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मॉनसून आ गया है और उसे पता चला है कि अलीबाग के कुछ जो मछुआरे हैं वो डूब गए हैं, है ना। तो उसे लगता है कि उसी उसका जो फैमिली है उसे उसकी जरूरत होगी और उसे भी वहां पे जाना चाहिए, ठीक है। तो मिस्टर पानवाला उसे हिदायत देते हैं कि देखो अभी तुम रुक जाओ, अभी तुमने वॉचमैनिंग का काम पूरे तरीके से नहीं सीखा है, तो इसको एक बार पूरे तरीके से सीख लेना और ताकि तुम जब वापस जाओ तो वहां पे कुछ इसका लाभ उठा सको, इस जो स्किल तुम सीख रहे हो इसका, ठीक है। पर वो मान जाता है और वो कुछ समय तक वहां पे मिस्टर पानवाला के साथ काम सीखता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है जो मॉनसून के बारे में मैंने बताया आपको, तब वो रेस्टलेस होता रहता है थोड़े समय के बाद और वो डिसाइड करता है कि एक दिन वो वापस चला जाएगा अपने घर पे, ठीक है। अब वो जब अपने घर पे वापस जाता है तो जग्गू उसको कुछ पैसे देता है एक्स्ट्रा के, ये लो तुम एक्स्ट्रा पैसे ले दो तुम, वो उसको बस टिकट भी दे देगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि सिटी में भी अच्छे लोग मिल जाते हैं, जैसे कि मिस्टर पान वाला था और जग्गू था जिसने उसको काम दिया था, या फिर वो उनका जो गेट कीपर था मिस्टर हीरा लाल। तो ऐसे कुछ लोग सिटी में भी अच्छे लोग मिल जाते हैं उन्हें, हरी को काफी अच्छे लोग सिटी में मिले थे जिन्होंने उसकी बहुत हेल्प करी थी, ठीक है। अब जब वो वापस घर में आता है तब उसे पता चलता है कि घर की कंडीशन तो पूरे तरीके से चेंज हो गई है। जब वो घर से बाहर था तो उसे पता चलता है कि उनकी जो मदर है वो बीमार पड़ गई थी और डी सिल्वाज उसे हॉस्पिटल लेके चले गए थे और पिछले 7 महीनों से उसका इलाज चल रहा है और उनके फादर ने शराब पीना छोड़ दिया है और पिछले 7 महीने के साथ वो हॉस्पिटल में उनकी मदर की देखभाल कर रहे हैं। मीनवाइल जो लीला है वो अपनी बहनों का ध्यान रखती है और डी सिल्वाज के यहाँ काम करने जाती है। जब डी सिल्वाज वहां पे छोड़ के चले गए थे अपने काम के लिए, तब उनके यहाँ पे एक और पॉलिटिशियन आया था वहां पे रहने के लिए जिसका नाम मिस्टर सैयद अली है, और वो क्या है, वो बर्ड्स की बर्ड्स की स्टडी करता है, ठीक है। तो वो भी उनको अच्छा काम देता है, लड़कियों का उसने अच्छा ध्यान रखा और उनकी अच्छे मतलब उनको कहीं ना कहीं लाइवलीहुड का एक अर्निंग करने का उन्होंने अच्छा अच्छा उसको एक ऑप्शन दिया दे रखा था, ठीक है। अब जब हमारा हरी वापस आ गया है घर पे तो वो अपनी बहनों से डिस्कस करते हैं प्लान के बारे में। वो बोलता है कि अब उसने वॉच मेंडिंग का काम सीखा है और वो क्या है, वो धीरे धीरे एक शॉप खोलना चाहता है, छोटी दुकान खोलना चाहता है, जिससे कि जब फैक्ट्री सेटअप होगी तो उसका काम जो है चल पड़ेगा। उसकी बहनें उसे सुझाव देती हैं कि सबसे पहले हमें एक जो हरी पैसे लेके आया है, कमा के लेके आया है, उससे हमें एक चिकन शॉप खोलनी चाहिए जिससे कि हम थोड़े पैसे इकट्ठे कर सकें, जिससे कि जग्गू की जो वॉच मेंडिंग वाली दुकान है वो भी सेटअप हो जाए, उसके लिए भी पैसे इकट्ठे हो जाए, ठीक है। तो ये वो प्लान बनाते हैं और इसी के ऊपर वो काम करते हैं, ठीक है। अब वो नेट लेने के लिए, जब जो चीजें नेसेसरी टूल्स लेने के लिए जिससे कि वो अपना अपने चिकन वाला काम शुरू कर सके, उसके लिए जब वो बाजार जा रहा होता है तो रास्ते में उसे मिस्टर सैयद अली मिलते हैं। वो उनसे मिलकर बड़ा खुश होता है क्योंकि मिस्टर सैयद अली उसे एक बार बॉम्बे में भी मिले थे और उन्होंने भी उसकी काफी हेल्प करी थी, तो वो भी एक अच्छे इंसान थे,
ठीक है, तो वो आपस में बात करते हैं और वो उसके प्लान को, जगु जो हरी का जो प्लान है उससे, उसको देख के काफी खुश होते हैं कि हाँ हरी जो इतनी मुश्किलों के बाद भी, हरी इतने बदलावों के बाद भी, हरी जो अपनी हार नहीं मान रहा है और लाइफ को किसी ना किसी तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस चीज के उस चीज से काफी खुश होते हैं। ठीक है, और हरी अपनी माँ से हॉस्पिटल मिलने भी जाएगा उसके बाद में, और फिर बाद में हरी और उसके जो पिताजी हैं वो वापस उनकी माँ को घर पे ले आएंगे और वो ठीक हो जाती हैं फाइनली। हरी के फादर ने भी शराब पीना छोड़ दिया है, उसकी माँ भी ठीक हो गई है, तो कहीं ना कहीं फैमिली में काफी जो खुशियां हैं वो काफी लंबे समय बाद लौट आई हैं। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा जो नोवेल है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। नई वीडियो में नई लिटरेचर की वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।